एचएससी के बाद अगर आपको कौन सा भी कोर्स प्रोफेशनल करना है, प्रोफेशनल कोर्स मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में कर सकते हैं, अदर अलाइन फील्ड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में आपको करना है तो एक तो आप डॉक्टर स्पेशल जो कोर्सेज है BAMS, BHMS, MBBS के लिए जो स्पेशली कोर्सेज रहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज पैरामेडिकल के लिए भी कर सकते हैं जिसमें नर्सिंग के लिए वेरियस कोर्सेज होते हैं, लेबोरेटरीज के लिए कोर्सेज होते हैं एंड फार्मेसी। अब फार्मेसी ये क्या है? डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन बनाने के लिए और उसको डिस्पेंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो फार्मेसिस्ट की रहती है, तो उसके लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी ये एक कोर्स है। एक्चुअली इसके डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कोर्स रहता है, वो डिप्लोमा है एंड देन ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के लिए मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये अलग अलग कोर्सेज फार्मेसी एजुकेशन में रहते हैं। आज बात करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज के डिटेल में जानेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ये कोर्स करना है आपको और इसमें वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी है, इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, इसके बाद इस ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ पर आपको जॉब लग सकती है, कितनी सैलरी मिल सकती है और कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं इंडिया में। ये ग्रेजुएशन जो कर रहे स्टूडेंट उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वेरियस कंपनीज बताऊंगा कौन कौन सी है और किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी, और जो ट्वेल्थ कर रहे या उससे अभी पहले आप सोच रहे कि फार्मेसी करना है तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक। तो ये बैचलर ऑफ फार्मेसी ये कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स है, 4 साल के कोर्स में ये एडमिशन अगर आपको लेना है तो एलिजिबिलिटी 12th चाहिए, HSC आपको 60% मार्क्स यहाँ पे लगते हैं, कैटेगरी में एग्जम्पशन है 55% तक आपको होगा तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेने के लिए एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। तो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड देन हर एक स्टेट वाइज लाइक वेस्ट बंगाल की WPCET वेस्ट बंगाल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कर्नाटक की KCET कॉमन कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र की MAHCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, भारतीय विद्यापीठ की भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उनकी अलग से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है तो वो अलग से लेते हैं, उसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की उनकी अलग से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहती है। इस तरीके से सभी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो एक्चुअली मेरिट लिस्ट लगते हैं देन आफ्टर आपको उसके कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक्चुअली जनरली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, सो बेसिकली दिस इज बायोलॉजिकल रिलेटेड फील्ड्स तो इसके रिगार्डिंग ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, डिजाइन ऑफ ड्रग, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, उस क्लिनिकल यूज, इसके एनालिटिकल टेक्निक्स, ड्रग्स किस तरीके से ढूंढना, उसके मॉलिक्यूल किस तरीके से रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती है। तो इसके लिए एक डिस्पेंसिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते समय आपको क्या लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर होते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से ये जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी सोसाइटी में। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने यहाँ पे, एडमिशन मिलने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रहते हैं, सेमेस्टर पैटर्न है तो हर साल में 2 सेमेस्टर है तो 4 साल में 8 सेमेस्टर है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सेमेस्टर 1 आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअली फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स, देन फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, देन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, ये पहला पार्ट, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, देन माइक्रोबायोलॉजी। सेमेस्टर 2 में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट, देन मैथमेटिक्स 2, देन फार्मास्यूटिक्स 2, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेकंड पार्ट, देन फिजिकल फार्मेसी 1, देन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हेल्थ एजुकेशन सेकंड पार्ट, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेमेस्टर 3 में आपको सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, देन फार्मास्यूटिक्स 3, देन फिजिकल फार्मेसी 2, देन बायोकेमिस्ट्री 1, देन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हेल्थ एजुकेशन 3, देन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। सेमेस्टर 4 में सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4, देन फार्माकोलॉजी 1, देन बायोकेमिस्ट्री सेकंड पार्ट, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सेकंड पार्ट, देन फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड पार्ट, देन डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी हेल्थ एजुकेशन फोर्थ पार्ट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये 4th सेमेस्टर, देन 5th सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स 4, देन फार्माकोलॉजी 2, देन बायोकेमिस्ट्री 3, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 3, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, देन कॉस्मेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी असाइनमेंट्स।
देन सेमिस्टर सिक्स में आपको सिखाया जाएगा फार्मास्यूटिक्स 5, फार्माकोलॉजी 3, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 4, देन फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री 4। देन सेमिस्टर सेवन में फार्मास्यूटिक्स 6, फार्माकोलॉजी 4, फार्माकोग्नोसी सेकंड पार्ट, देन फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री 5th पार्ट, देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 5, एंड लास्ट सेमिस्टर में फार्मास्यूटिक्स 7, फार्माकोग्नोसी 3rd पार्ट, एंड देन फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री का 6th पार्ट। इसके बाद जानते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं अगर आपको एडमिशन लेना है तो। पहला है आदित्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी न्यू दिल्ली, देन जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी, देन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, देन एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, देन एचआईएमटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा, देन खालसा कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमृतसर, देन बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी पटना, देन इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इंदौर, देन निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, देन भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, देन डीवाई पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, देन AISSMS कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, देन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। इसके बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है कोर्स करने के बाद, तो आपको वेरियस सेक्टर में जॉब लग सकता है। एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इटसेल्फ प्रोडक्शन क्वालिटेशन क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैकेजिंग ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर होते हैं, और उसके बाद आपको अलाइन जॉब लग सकते हैं जस्ट लाइक फार्माकोविजिलेंस ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, देन क्लिनिकल फार्मेसी में आप लग सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लग सकते हैं आप, देन आप फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसके बाद आप काम कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में काम कर सकते हैं, तो ये इसके बाद आप मार्केटिंग में भी काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप काम करेंगे। तो इस तरीके से वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब मैं बताऊंगा कि वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेडिसिन, या फिर आप PCD फार्मा स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं आप मेडिसिन का, तो इन सारे बिजनेसेस आप कर सकते हैं, डिपेंड है आपके स्किल्स पे और थोड़ा एक्सपीरियंस लेना बहुत ही जरूरी रहता है। तो ये हो गए वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अब इसके बाद सैलरी की बात करेंगे, सैलरी आपको ऑन एन एवरेज, अब ये इतने सारे सेक्टर में कितनी सैलरी हो सकती है वो तो मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सेक्टर्स है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में आपको 20,000 से स्टार्ट मिल सकता है एंड अदर अलाइन इंडस्ट्रीज में भी आपको 20,000 to 25,000 से स्टार्ट मिल सकता है। तो ये पूरी डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आपको वेरियस सेक्टर्स में जॉब मिल सकता है। अब इसके कॉलेजेस की फीस जो रहती है वो लगभग 2 lakhs to 7 lakhs पर एनम रहती है, तो 4 साल का एक कोर्स है। अगर आप एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम थ्रू क्रैक करते हैं तो शायद आपको उस पर फीस में बेनिफिट्स मिल सकता है, तो इस सारे चीज़ों का आप बेनिफिट्स लीजिए। इसके लिए आपको क्रैक करनी पड़ेगी एग्जाम, इसके लिए कौन से प्रिपरेशन के लिए बुक्स क्या लगेंगे इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो वीडियो वो लिंक आप देखिए और उससे वो बुक आप परचेस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बी फार्मेसी करना है तो इसके लिए इतना सारा स्कोप है आपके लिए। तो ये वीडियो कैसा लगता है, कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी।